हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को और शिमला मिर्च को काट के रख लिया है। ये मैंने 250 ग्राम लिया था पत्ता गोभी, इसे मैंने इस तरह से पतला पतला कट किया है, ये देखिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया था 2 बड़े साइज़ का, उसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, ये देखिए। इस तरीके से आप इसे किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप इसे किसी और ऑयल में भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे सरसों के दाने, और इसके बाद इसमें जाएगा 6 से 7 लहसुन, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और इसे हम सौते करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप करें, लेकिन अगर खाते हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज और मिर्च। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है, और साथ में मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ले ली थी, जिसे मैंने 20 से आधा कर लिया है। और इसे हम सौते करेंगे जब तक कि प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें इसे कुक करना है। गैस का जो फ्लेम है वो आप लो टू मीडियम पे रखें। ये देखिए, यहाँ पर जो प्याज है वो सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी जो हमने कट करके रखा था। अभी हम शिमला मिर्च ऐड नहीं करेंगे, तो पत्ता गोभी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही झटपट बन भी जाती है, बनने में भी टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर, और आप बीच बीच में एक दो बार चला लीजिएगा इसे। तो ये देखिए, 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया है मीडियम फ्लेम पर। अगर आप पत्ता गोभी बिल्कुल सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसे लो फ्लेम पर पकाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्रंच रहे तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, और इसे भी डालकर हम इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सबको मिक्स कर देंगे हम। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया था, इसे भी इसमें चॉप करके डाल देंगे, और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया है मीडियम फ्लेम पर। टमाटर भी ये सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही बिना कवर किए पका लेंगे हाई फ्लेम पर चलाते हुए, जिससे कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो पूरी ड्राई हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे गर्म मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे मिक्स कर देंगे हम। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि गरम मसाले और धनिया पत्ती की जो खुशबू है वो सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि दिखने में ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी, चावल, किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।